नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर विली में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रिश्ते सिनेप्लेक्स चैनल को लेकर। तो क्या रिश्ते सिनेप्लेक्स चैनल अब आपको भोजपुरी मूवी दिखाएगा? लेकिन भोजपुरी मूवी दिखाएगा तो कब से दिखाएगा? और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि रिश्ते सिनेप्लेक्स चैनल कब से पेड चैनल बन जाएगा और यह चैनल पेड बन जाने के बाद डी टी मौजूद रहेगा या नहीं रहेगा। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों रिश्ते सिनेप्लेक्स चैनल अब आपको भोजपुरी मूवी दिखाने वाला है, लेकिन भोजपुरी मूवी को भोजपुरी में नहीं बल्कि भोजपुरी मूवी को हिंदी में डबिंग करके रिश्ते सिनेप्लेक्स चैनल पर हिंदी में दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको एक मूवी देखने को मिलने वाले 4 जुलाई को दोपहर के 1 बजे इंतकाम, लेकिन दोस्तों इंतकाम एक भोजपुरी मूवी है और इसको हिंदी डबिंग करके रिश्ते सिनेप्लेक्स चैनल पर 4 जुलाई को दोपहर के 1 बजे दिखाए जाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि रिश्ते सिनेप्लेक्स चैनल पर कौन कौन से भाषा की मूवी को हिंदी डबिंग करके दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों आपको तेलुगु भाषा, तमिल भाषा, कन्नाड़ा भाषा, मलयालम भाषा, पंजाबी और भोजपुरी भाषा की मूवी को हिंदी डबिंग करके दिखाए जाएंगे रिश्ते सिनेप्लेक्स चैनल पे। तो इन सभी भाषा की मूवी को आप देख सकते हैं हिंदी में रिश्ते सिनेप्लेक्स चैनल पे। दोस्तों तो दोस्तों अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि रिश्ते सिनेप्लेक्स चैनल कब से पेड चैनल बन जाएगा। तो दोस्तों रिश्ते सिनेप्लेक्स चैनल 8 जुलाई 2020 से पेड चैनल बन जाएगा, लेकिन DDPDS के ग्राहकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह चैनल पेड हो जाने के बाद भी DDPDS पर मौजूद रहेगा और उसके बाद भी इस पर आपको नई नई ब्लॉकबस्टर मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिएगा, ताकि नया वीडियो मैं जब भी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।